इस लेक्चर में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगा अगर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि 1, 1/3, 1/5 and 1/7 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ सीक्वेंस, देन रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स 1, 3, 5 and 7 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अ सीक्वेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कि जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो जो सीक्वेंस हमारे पास आएगा वो हार्मोनिक सीक्वेंस होगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में हमने देखा कि फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म्स इस तरीके से आती थी कि हम उनमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते थे। फर्स्ट टर्म इज ए वन, नेक्स्ट टर्म इज ए वन प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए वन प्लस टू डी एंड सो ऑन। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म्स इसके रेसिप्रोकल होंगी। उसकी फर्स्ट टर्म होगी 1/a1, नेक्स्ट टर्म 1/a1 + d, नेक्स्ट टर्म 1/a1 + 2d एंड सो ऑन। अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में हमने देखा कि nth टर्म और जनरल टर्म जो है वो हमारे पास थी an इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हार्मोनिक सीक्वेंस में हमारे पास जनरल टर्म होगी ए एन इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल जो कि हो जाएगा 1/a1 + n-1 d। वही अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूलाज हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो इन्वर्ट हो गए हैं, उनका रेसिप्रोकल ले लिया गया है। कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 इज फाइंड द nth एंड 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/2, 1/5, 1/8 and so on। हमने इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म और 8th टर्म फाइंड करनी है। अगर 1/2, 1/5 and 1/8 जो हैं ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे जो कि 2, 5 और 8 जो हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। nth टर्म चाहे तो हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड कर लें, 8th टर्म फाइंड कर लें और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लें, चाहे तो हम हार्मोनिक सीक्वेंस से पहले ही वो फॉर्मूला यूज करें जिसमें हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, जिस तरीके से भी हम चाहें फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस से फाइंड करूंगा और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जब हमने nth टर्म फाइंड करना होती है तो ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा तो यहां पे हमारे पास ए वन इज टू प्लस एन माइनस वन, वैसे ही कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का 5 - 2 इज
3, तो nth टर्म हमारे पास हो जाएगी 2 plus 3n minus 3 which is equal to 3n minus 1. ये तो nth टर्म हमने फाइंड की arithmetic progression की, तो harmonic progression की nth टर्म हमारे पास हो जाएगी, इस टर्म का हम इन्वर्ट ले लें, 1 over an is equal to 1 over 3n minus 1. जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, तो आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगा. उस अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो भी चीज़ आपने फाइंड करना होगी वो उसमें फाइंड करें और एंड पे जाके उसका रेसिप्रोकल ले लें. उसके बाद हमने एट्थ टर्म भी फाइंड करना है, तो एन की जगह पर हम एट पुट कर देंगे, तो हमारे पास एट्थ टर्म आ जाएगी जो कि आएगी 1 over a 8 is equal to 1 over 3 into 8 minus 1 which is equal to 1 over 23. अगर इस तरीके से नहीं तो फिर हम arithmetic sequence में चाहे तो formula use करते हुए arithmetic sequence की 8th term find कर लें और उसके बाद उसका reciprocal ले लें, तो तब भी हमारे पास यही answer आएगा. एक और example हम देख लेते हैं. example है find 12th term of harmonic progression which is 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8 and so on. हमने इस harmonic progression की 12th term find करना है. अगर ये हमारे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा 2, 5, 8 एंड सो ऑन. हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म फाइंड कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म होगी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते आए हैं. जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए वन इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. हमने 12th टर्म फाइंड करना है. ए 12 ए वन की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी 5 माइनस 2 विच इज 3. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 33 विच इज 35. सो 12th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 35. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 12th टर्म क्या हो जाएगी, 1 over a 12 which is equal to 1 over 35. इस लेक्चर में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टडी किया. हमने देखा कि एक ऐसा सीक्वेंस जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके बने वो हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाता है. और जब भी हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके आएंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एंड पे जो चीज़ हमने फाइंड करना होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस आते हैं तो आप इजीली हार्मोनिक सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने हार्मोनिक सीक्वेंस जो होगा उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल लेना है और उसके बाद अरिथमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए उनको सॉल्व करना है. देन इज हार्मोनिक मीन. अ नंबर एच इज set to be harmonic mean
between A and B if A, H and B are in harmonic progression. कि अगर हमारे पास A, H और B जो हैं ये harmonic progression की terms हैं तो H को हम harmonic mean कहेंगे. या simple के किसी भी harmonic sequence में non-consecutive terms के दरमियान जितनी भी terms होंगी उनको हम harmonic mean कहेंगे. जिस तरीके से हमने arithmetic mean, geometric mean को study किया कि arithmetic sequence में दो non-consecutive terms के दरमियान जितनी भी terms होंगी उनको हम arithmetic mean कहेंगे. geometric sequence में दो non-consecutive terms के दरमियान जितनी terms होंगी उनको geometric mean कहेंगे. similarly harmonic sequence में दो non-consecutive terms के दरमियान जितनी भी terms होंगी उनको हम harmonic mean कहेंगे. अगर A, H and B ये हमारे पास harmonic progression में हैं तो इन terms का जो reciprocal है वो definitely arithmetic progression में होगा. 1 over A, 1 over H and 1 over B are in arithmetic progression. यहां से अगर हमने find करना हो 1 over H तो ये होगा 1 over H is equal to 1 over A plus 1 over B divided by 2. वही formula use किया जो हम arithmetic progression में use करते आए कि जब हम arithmetic progression में arithmetic mean find करते थे तो दो terms का sum करके उसको 2 से divide कर देते थे. तो उसके बाद ये 1 over H हो जाएगा A plus B over 2AB. लेकिन in case of harmonic sequence तो ये H harmonic mean is equal to 2AB over A plus B. दो terms के दरमियान harmonic mean find करने के लिए हम ये वाला formula use करेंगे. harmonic mean is equal to 2AB over A plus B. एक sequence था harmonic sequence, उसकी terms का reciprocal लेके हमने arithmetic sequence बना लिया. अब उस arithmetic sequence का अगर मैं mean find करूं तो वो दो terms को sum करके 2 से divide करके आता था. तो similarly यहाँ पे 1 over H is equal to 1 over A plus 1 over B by 2 और 1 over H का बाद में जब मैंने reciprocal लिया तो वो harmonic sequence में आ गया H is equal to 2AB over A plus B. example हम देख लेते हैं. example is find harmonic mean between 3 and 7. दो terms हैं 3 and 7, उनके दरमियान हमने harmonic mean find करना है. harmonic mean का हमारे पास formula H is equal to 2AB over A plus B. तो यहां पे हम values put कर देंगे 2 into A की जगह पे, 3 B की जगह पे, 7 divided by 3 plus 7. तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 over 10 which is equal to 21 over 5. So 21 over 5 is the harmonic mean between 3 and 7. Similarly कोई भी दो terms के दरमियान आप harmonic mean find करेंगे इस formula के जरिए और उसमें सिर्फ आपने values put करना होंगी. ये तो है कि जब हमने एक harmonic mean find करना हो between two terms. लेकिन जिस तरह हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि हमने एक से ज्यादा arithmetic mean find करना होते थे, geometric mean find करना होते थे, similarly अगर हमें एक से ज्यादा harmonic mean find करना पड़े तो
तो फिर वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं कि हम एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है फाइंड थ्री हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/5 एंड 1/17। 1/5 और 1/17 के दरमियान हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। जब भी एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन फाइंड करना होंगे तो हम उसको सबसे पहले अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे। हमने तीन हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं बिटवीन 1/5 एंड 1/17। अगर हम तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लें इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके, यानी कि हम लेट कर लें a1 a2 एंड a3 आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17, इन टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके उनके दरमियान हम तीन अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उनका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमें हार्मोनिक मीन देंगे। अगर ये हमारे पास तीन अरिथमेटिक मीन है a1 a2 एंड a3 बिटवीन 5 एंड 17, देन 5 a1 a2 a3 एंड 17 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते आए हैं एक से ज्यादा, वही तरीका हम यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लेंगे। जब भी एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होते हैं तो एक्चुअली हमें एक सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना होता है। तो किसी भी सीक्वेंस की टर्म को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक a1 और दूसरा d कॉमन डिफरेंस। a1 हमारे पास गिवन है 5, डिफरेंस नहीं दिया गया। डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे किस तरीके से, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारे पास टर्म है 1, 2, 3, 4, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो डिफरेंस हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को फिफ्थ टर्म के लिखूं तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। a5 हमारे पास है 17 इज इक्वल टू a1 है 5 प्लस 4d हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 5 इज 12 इज इक्वल टू 4d और d इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास d भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी है, अब हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1 जो है ये एक्चुअली इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म है a2 और अरिथमेटिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं a1 प्लस d। a1 है 5 प्लस 3 तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा अरिथमेटिक मीन है ये इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की तीसरी टर्म है a3 विच इज इक्वल टू a1 प्लस 2d तो ये हमारे पास हो जाएगी 11। सिमिलरली ये जो थर्ड अरिथमेटिक मीन है ये इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है विच इज इक्वल टू a1 प्लस 3d जो कि हो जाएगी 14। हमने तीन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए। एक्चुअली हमने हार्मोनिक मीन्स फाइंड करना थे तो हम इन अरिथमेटिक मीन्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स होंगे।
1 over 8, 1 over 11 and 1 over 14 are harmonic mean between 1 over 5 and 1 over 17. सारे questions बिल्कुल arithmetic sequence की तरह की हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हमने change करना है कि सबसे जो हमारे पास sequence दिया गया होगा उसका हम reciprocal लेके सबसे पहले उसको arithmetic sequence बना लेंगे और उसके बाद उसको arithmetic sequence के formulas को use करते हुए solve कर लेंगे और end में फिर उनका reciprocal लेके उनको फिर harmonic sequence में ले जाएंगे।